नमस्कार दोस्तों, अदानी ग्रुप पे मैं हर रोज़ बात कर रहा हूँ और अदानी ग्रुप पे लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि LIC ने अपना सारा लॉस रिकवर कर लिया है। तो ये LIC के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है, जो बीच में बहुत हल्ला हुआ था कि LIC को 6000 करोड़ का नुकसान हो गया क्योंकि LIC ने शेयर को नहीं बेचा सही टाइम पे। तो अब ये LIC के निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर हो गई है कि LIC ने 6000 करोड़ का जो नुकसान, उसे नॉशनल नुकसान लॉस हो रहा था, वो लॉस अब रिकवर हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है LIC निवेशकों के लिए। तो LIC ने बीच में बहुत पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, बहुत सारे न्यूज़ आए कि LIC पे डूबने वाला है, SBI डूबने वाला है, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारे न्यूज़ फीके पड़ते जा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार मैं उसे बता रहा हूँ कि क्या उस रिपोर्ट में कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि LIC रिकवर लॉसेज एज शेयर्स ऑफ इंडरमल हिट अदानी फॉर्म्स जंप। तो अदानी जो फॉर्म है वो जंप किया है। लास्ट मंथ अदानी ग्रुप स्टॉक सो मैसिव डिक्लाइन फॉलोइंग ए डैमेजिंग रिपोर्ट बाय US शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च फॉर्म। तो हिंडनबर्ग ने जो नेगेटिव रिपोर्ट लगाया था मैनिपुलेशन का और फॉल्स एलिगेशन बहुत सारे लगाए थे, उसके बाद हेवी टूट गया था शेयर, 77% तक टूट गया था। अब सारे शेयर रिकवर धीरे धीरे हो रहे हैं। एज द शेयर ऑफ अदानी इन प्लांग LIC इन्वेस्टमेंट टर्न नेगेटिव, और उसका नेगेटिव हो गया था। और स्टेट रन LIC विच हैज़ बिगन फेसिंग हीट फ्रॉम द अपोजिशन फॉर इन्वेस्टिंग इन अदानी हैज़ रिकवर्ड लॉसेज ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन द अदानी ग्रुप स्टॉक आफ्टर शेयर्स ऑफ सच कॉन्ग्लोमरेट रोज फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन ऑन फ्राइडे। तो लगातार 3 दिन हेवी तेजी बना रहा, 15%, तो किसी में 5%, किसी में 25% तक तेजी बना रहा, और इस तरह से LIC का जो लॉस हो रहा था वो लॉस रिकवर हो गया। द इंश्योरेंस मेजर हैज इन्वेस्टेड इन 7-10 लिस्टेड कंपनीज ऑफ अदानी ग्रुप। इट होल्ड्स 1.2% इन अदानी ग्रीन एनर्जी, 9.14% इन अदानी पोर्ट। इन द लास्ट 1 month शेयर ऑफ अदानी पोर्ट हैव राइजन 25.36%। ऑन फ्राइडे द शेयर्स ऑफ अदानी पोर्ट रोज नियरली 10% टू सेटल 8684, वाइल ग्रीन एनर्जी जंप 5% क्लोज टू 562। तो इस तरह से सभी में तेजी देखने को मिला और जो अदानी का लॉसेज है वो रिकवर हो गया। अदानी ग्रुप स्टॉक्स शो ए मैसिव डिक्लाइन फॉलोइंग डैमेजिंग रिपोर्ट बाय US शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च। एज द शेयर्स ऑफ अदानी प्लंग LIC इन्वेस्टमेंट टर्न नेगेटिव ऑन February 24, द वैल्यू ऑफ LIC हेल्ड अदानी ग्रुप ड्रॉप 29,893 करोड़ अगेंस्ट परचेज ऑफ 30,127 करोड़। तो 24 फरवरी का अगर रिपोर्ट का कैलकुलेशन किया जाए, LIC का जो नेट वैल्यू है वह 29,893 करोड़ पे था, अब वो बढ़ के उसका जो प्राइस सबका बढ़ गया है तो उसका वैल्यू हो गया 30,127 करोड़। हाइबर ए रैली इन द अदानी स्टॉक फॉलोइंग मैसिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फॉर्म हैज रिकवर्ड द इंश्योरेंस मेजर नॉशनल लॉसेज। द वैल्यू ऑफ LIC इन्वेस्टमेंट इन इम्बैटल्ड ग्रुप हैज राइजन अबाउट 9,000 करोड़ एंड नाउ स्टैंड्स ऑफ 39,068 करोड़। तो पहले जो लॉस हो रहा था 9,000 करोड़ का हो रहा था, अब वह लॉस रिकवर हो गया है, अब उसका वैल्यू हो गया 39,068 करोड़। न्यू एजेंसी PTI रिपोर्टेड सेटिंग डाटा ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पे ये जानकारी दी गई है। एट द पॉइंट इन फरवरी द इंश्योरेंस बिहमोथ विटनेस्ड एनॉर्मियस नॉशनल लॉस ऑफ 50,000 करोड़ ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स। तो ये सब बोला गया था कि 50,000 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट है। द कम्बाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 7 अदानी स्टॉक, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट प्लस 33,242 करोड़। तो उस समय उसका वैल्यू था 33,242 करोड़ जब मार्केट गिर के हो गया था।
फरवरी 23 में फ्रॉम 82,9697 करोड़ ऑन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में इसका वैल्यू था 80,970 करोड़ और फरवरी 23 को इसका वैल्यू हो गया था 33,242 करोड़। तो ये अदानी ग्रुप पे अपडेट है, LIC को बहुत राहत मिली है इस न्यूज़ से। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।